वीडियो मेरे लिए नहीं, सिर्फ अपना जो आप टैक्स देते हैं अपने लिए देखनी है बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पीछे ये रावलपिंडी आर्ट काउंसिल है। आज मैं ज़रा इसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि कैसा ज़बरदस्त माशाल्लाह माहौल है। और ये साथ ही आप देखें, ये मेट्रो गुजर रही है पास से, तो दोनों चीज़ों का आपने कंपैरिजन करना है ना, हमारी तरजीहात क्या है। ओह माय गॉड, ये बिजली के काम है अंदर, ये देखिए सर जी, और ओपन पड़ा तो बहुत तो बात हो। और ये हमारा पंजाब आर्ट काउंसिल, तो बस 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 मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि पता चले कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनके क्या हालात हैं। बिजली की तारें पड़ी हुई हैं, किसी को भी करंट लग सकता है, कोई बच्चा आ जाए, कोई बड़ा आ जाए, कोई परवाह नहीं। जेंट्स वॉशरूम, ओह माय गॉड, ओह इतनी स्मेल है कि मेरे खुदा, मैं इधर एक सेकंड भी, बिलीव मी मुझसे अब सांस नहीं लिया जा रहा। और ये इनके पानी के जो पानी फिल्टर करने के लिए लगे हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है क्योंकि इतनी स्मेल अंदर। आपने जो वॉशरूम्स देखे हैं, तो मैं बाहर आया हूँ कि थोड़ी देर बैठूँ, इधर सांस लूँ। मैं ये बाहर के आपको हालात दिखा रहा हूँ, ये कूड़ा कचरा, ये गंद। अब आप यहाँ पर कोई डस्टबिन नहीं देखेंगे आसपास, सारा कूड़ा लोग इधर ही फेंकते हैं और सत्यानाश किया हुआ। और साथ में यहाँ पे बानी है पाकिस्तान का, ये आपको मुजस्मा भी नज़र आ रहा है। और क्या कहने इनके कुछ। और मैं आपको वाटर कूलर दिखा रहा हूँ, हालत देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे क्या से क्या हो रहा है। और ये हमारे वो पैसे हैं और बिल्डिंग्स हैं, यही बिल्डिंग्स अगर आप कहीं प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दें, कहीं दे दें, तो यहाँ से करोड़ों अरबों रुपया जनरेट हो सकता है, ये हब है। तो यही हालात सारे हमारे इदारों के हैं, तो क्यों इस तरह का, क्यों नुकसान कर रहे हैं, क्यों हमें आग के अंदर झोंक रहे हैं। कमरा जहाँ से ये लाइटिंग वगैरह सारी कंट्रोल होती है, उधर भी आप ये अंबार देख लें, ये कूड़ा, ये वहाँ के हालात हैं। तो यहाँ पर कौन आएगा फंक्शन करने कराने। थोड़ा सा मैं आपको ओवरऑल बिल्डिंग का दिखा रहा हूँ, जो पेंट है या क्या हालात बने हुए, वो भी आप देख लें ताकि कोई चीज़ रह ना जाए जो यहाँ से छुपी हो। तो शर्म आती है, शर्म आती है खुदा की कसम ये चीज़ें देख के, हम इंसान हैं भी कि नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जिना का मुजस्मा है और इनका जो फेस है ये वेस्ट की तरफ और ऐसे सलूट कर लेना, तो हालांकि ईस्ट की तरफ होना चाहिए जिधर से सूरज निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान भी तुलू है आफ्ताब की तरह। तो दूसरा, इनकी कैप के ऊपर मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, कितना गंद चिड़ियाँ जो करती हैं वो सारे का सारा जमा हुआ हुआ है। तो अगर आप सफाई नहीं कर सकते तो फिर आप ये चीज़ें लगाएं ना, ऐसे मुजस्मा फिर ना लगाएं ना। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देख ली हुई है और आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि हम एज़ अ नेशन, हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे किधर जा रहे हैं और हम हैं क्या।